ये जब तक आती है तब तक पता नहीं क्या हो जाता है। अगर मतलब प्रिंसिपल मतलब यहाँ प्रबंधक अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, आम जनता क्या करेगी ये बताइए। अब हम क्या बताऊँ, हम तो झेल रहे हैं 26 तारीख से यही। आपके स्कूल में एक भी मामला एक और आया था बिरिया का था, लड़की अभी एडमिशन कराने के लिए गई थी, उसको देखिए कैसा मतलब गाली दे करके डंडा लेकर आओ, ऐसे मारेंगे, ये कर देंगे। वो भी लड़की बहुत प्रताड़ित हुई है, उसका भी वीडियो बहुत वायरल हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में क्या कहा जाए, वो तो बात पुरानी पुरानी, अभी तो मतलब एक महीने ही हुआ है। हाँ, एक महीना। आप लोग अगर ऐसे मतलब गुजारेंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई लड़की भागी जा रही है हमारे कॉलेज से तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता हम उसको रोकें कि क्यों भागी जा रही हो? नहीं, वो भागी कहाँ जा रही थी, वो एडमिशन कराने के लिए आई थी, 100 रुपए कम थे, 100 रुपए कम थे, उसकी फीस नहीं ली जा रही। प्रिंसिपल साहब ने तो बताते ही हैं कि 100 रुपए कम थे। अरे वीडियो में कहाँ झूठ बोला जा रहा है, आपके सीसी कैमरे भी चल रहे थे। हाँ, चल रहे थे। 6 लड़कियां हमारी भाग गई एक महीने पहले, एक लड़की भाग गई, वो एक या दो लड़के के साथ बैठ के भागी जा रही थी, इसलिए हमने रोका उसको कि डंडा लाओ जल्दी, नहीं भाग जाएगी। अभी 6 लड़कियां चली गई, आज तक पता नहीं चला। इसका मामला, इसका कोई मामले नहीं होता। जैसे आपने गोली चलाई, लाइसेंस ही थी आपके पास? हाँ। बाई चांस आप जैसे अभी दिखाते हैं, जैसे दिखाया गया है इसमें, लोगों ने कवरेज किया है, अगर किसी को लग जाती तो आप क्या करते? लग कैसे जाती भाई, लगने के लिए थोड़े चलाए थे। मैंने शायद सुरेंद्र सिंह नाम नैन्सी, और कौन? नैन्सी और दूसरी बच्ची प्राची नाम की बच्ची थी, दो बच्चों को तो कल बताया गया। किस क्लास में? ये 8th 9th में प्राची थी और जो है 11th में नैन्सी, तो इन दोनों को टीसी दी गई थी, ठीक, इसीलिए जो है कल टीसी दे के वापस कर दिया था। उसके बाद जब हम आज सुबह आ रहे यहाँ पे तो हमने देखा कम से कम 50 आदमी बाहर, तो 50 आदमी बाहर खड़ा है, तो हम गेट बंद करवा दिए, ताला मरवा दिए गेट पे। और उसके बाद जो है एक गार्जियन आए तो उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप उसके बाद आइएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत है, तो उन्हें बुलाया गया था, तो चले गए थे गार्जियन। और उसके बाद जो है हमने ताला मरवा दिया दोनों गेटों पर। और उसके बाद जो है क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले कम से कम 50 व्यक्ति आए और गेट पे जो है तोड़ने लगे, गेट तोड़ दिए, ठीक, और जो है बाहर से जो है इतने गुम्मे फेंके, आपको दिख रहे हैं मुझे गुम्मे, ठीक, बाहर से गुम्मे मारना स्टार्ट कर दिए। बस यही घटना हुई। और उसके पहले जो है हमने जो है यहाँ SI सर को जो है मैंने फ़ोन कर दिया था कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, 50 आदमी आए थे, खड़े थे, उसके बाद हमने गेट बंद करवा दिया तो वो चले गए। तो उन्होंने कहा अगर कोई समस्या होगी तो हमको फ़ोन करिएगा। तो जब हम ऊपर छत से देखे कि हाँ 50 आदमी आ रहे हैं एक साथ में डंडा लाने लिए हुए, तो हमने उनको तुरंत फ़ोन किया, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक, हम अभी आ रहे हैं। तो जब तक वो पुलिस आए हमारे यहाँ तक, तब तक वो लोग आके और इतना जो है तोड़ फोड़ की वहाँ पर, और जो है सब जो है यहाँ पर जो है मतलब कि घूमे स्कूल के अंदर के रिकॉर्ड खत्म था। उसके बाद जैसे ही जो है पुलिस आई वैसे ही वो भाग गए। क्या सब फायर भी हुई है, गोली भी चलाई हुई है? गोली इसलिए चला दी कि हमारे बच्चे निकल गए थे सब 9 से 12 वाले। अच्छा। और ये लोग अद्धा चला रहे थे तो हम कह रहे थे भाग जाओ तुम लोग, ने बच्चे चोट खा जाएंगे, तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने दीवार लाइसेंसी दीवार पर। बाई चांस कोई मर जाता तो मर कैसे जाता सर? ऊपर चलाई गई हम आसमानी फायर, हमने दो किए इसलिए कि ये लोग भाग जाए, हमारे बच्चे चोट ना खा जाए। इसमें तो इसमें जो दिखाया गया है, दो जो दिखाया गया है वीडियो आपका जो आ रहा है, अभी दिखाते हैं हम, उसमें दिखाया गया एकदम सीधी फायर, मतलब एकदम ऐसे किए हैं, एकदम सामने गई होकर मारे, गेट पे खड़े होकर के ऐसे करके। नहीं नहीं।